हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमको जो है हमारा आधार कार्ड की कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपना आधार कार्ड जो है मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं और कहीं पे भी जो है इसका प्रिंट निकाल के या फिर इसका कलर फोटोकॉपी करा के आप लेमिनेशन करा के अपने पास रख सकते हैं। तो किस तरीके से जो है आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि किस तरीके से आपको जो अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है अपना आधार कार्ड मोबाइल में डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके रखा हुआ है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जो सर्च बार आता है, यहाँ पे इस तरीके से सर्च बार में आपको सर्च कर देना है UIDAI। इस तरीके से आपको लिख देना है UIDAI और आपको सर्च कर देना है। जैसे कि यहाँ पे ये है तो UIDAI लिख के आपको सर्च कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड आधार। तो आधार जो है डाउनलोड आधार पे इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड आधार पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू माय आधार। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड आधार ऑर्डर आधार PVC कार्ड, हमारा जो प्लास्टिक कार्ड भी हम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और चेक आधार कार्ड PVC कार्ड ऑर्डर स्टेटस। तो आप यहाँ से अपने अगर PVC कार्ड के लिए किया है तो स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है हम आधार कार्ड जो है डाउनलोड करने वाले हैं, तो हमको ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ जो लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, तो हमको ये डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमारे पास आधार नंबर होना चाहिए या एनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए या वर्चुअल आईडी होनी चाहिए। आधार नंबर हमारे पास जब होगा जब हमारा आधार कार्ड बना होगा और हमारा आधार कार्ड ऑलरेडी हमारे पास है और हम दोबारा से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आधार नंबर डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। एनरोलमेंट आईडी जब आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपको जो आधार कार्ड काउंटर से पर्ची मिलती है उसमें आपकी एनरोलमेंट आईडी होती है जो कि यहाँ पे 28 डिजिट की होती है, तो आपको वो डाल देना है। या फिर आपका आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी होती है जो 16 डिजिट की होती है यानी 16 डिजिट की होती है, तो आप वो भी यहाँ एंटर करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपका पास आपका आधार नंबर होना चाहिए या फिर आपका एनरोलमेंट आईडी या वर्चुअल आईडी, और साथ ही साथ आपका आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अभी हम अपने आधार नंबर से ही अपना आधार कार्ड डाउनलोड करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम अपना आधार नंबर एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है, आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलता है एंटर कैप्चा। तो आप देख सकते हैं ये जो कैप्चा कोड है ये भी आपको यहाँ पे नीचे जो लिखा है एंटर कैप्चा में यहाँ पे एंटर कर देना है। ये सिक्योरिटी कोड है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो यहाँ पे जो रिफ्रेश का बटन है आप रिफ्रेश प्रेस करके यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड OTP। तो ये जो सेंड OTP है, हमारे आधार कार्ड बनवाते समय हमने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर हमारा जो है एक OTP आएगा, तो हम यहाँ से सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आने का हम वेट कर लेते हैं। तो OTP जो है हमारे नंबर पे आ चुका है, तो OTP हमको जो है यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अभी यहाँ पे जो है हम OTP को एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है OTP को एंटर कर दिया है। OTP एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हैं लिखा हुआ वेरीफाई एंड डाउनलोड, तो हमको इस पर जो है इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो जैसे ही हमारा आधार देख सकते हैं लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड, और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है द आधार कार्ड लेटर PDF पासवर्ड विल बी 8 करेक्टर। तो हमारा यहाँ पे जो आधार कार्ड जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो एक सिक्योरिटी पासवर्ड से लॉक होता है, तो हमको उसको ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है, तो आपको यहाँ पे आपके
नाम के आगे के आर ए एम जैसे चार अक्षर डाल लेना है, आर ए एम, और एक जो भी जैसे राम है या फिर सुरेश है तो उसके आगे के चार वर्ड डाल देना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है आपको ईयर डाल देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस तरीके से अनीश लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है अनीश। उसके बाद यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, जैसे ईयर देख सकते हैं कौन सा सन, वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे जो है हम इसको इस तरीके से बैक कर लेते हैं और आपको ओपन भी करके बता देते हैं। तो हमारा जो आधार कार्ड डाउनलोड हुआ है इसको ओपन करने के लिए हम इस तरीके से इसको बैक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो इस तरीके से लिख के आता है दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड। तो इसका जो पासवर्ड है, आपका जो नाम है, जैसे कि मान लीजिए मेरा राहुल नाम है तो आर ए एच यू डालेंगे हम। उसके बाद हमारा जो ईयर है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ का सन है, ईयर है, उसको हमको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अभी यहाँ पे जो है हम अपना नाम और यहाँ पे ईयर एंटर करके इसको ओपन करके भी आपको बताते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है हमने पासवर्ड अपना एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद इस तरीके से ओपन के ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड इस तरीके से डाउनलोड हो गया है। और यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ थ्री डॉट्स जो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके इस फाइल को जो है हम सेंड भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से अपने गूगल पे जो है गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसका पीडीएफ में कलर प्रिंट आउट निकलवा के लैमिनेशन करा के भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप भी अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।